हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1620 बैटरी के बारे में। 1620 बैटरी जो बेसिकली निप्पोन की गाड़ियों में सबसे ज्यादा चलती है, और मारुति सुजुकी जिसमें निप्पोन रिमोट आता है उन गाड़ियों में छोटी बैटरी लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में काफी बार क्या हो रहा है ना, बहुत लोकल बैटरी अभी फिलहाल में इस्तेमाल हो रही है। तो क्या होता है, वो 2-4 महीने चलती हैं और उनका जो रिस्पांस होता है इतना ज़्यादा अच्छा खास नहीं आता, और डिफ्यूज़ हो जाती है बैटरी और कस्टमर की काफ़ी कंप्लेंट्स आती है। ये देखो, इस टाइप की जो चाइनीज़ बैटरी जो आती हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए एकदम बढ़िया सॉल्यूशन हमारे पास है, रीगोल्ड कंपनी की बैटरी हमारे पास आपको मिल जाएगी। 110% ओरिजिनल बैटरी है ये, और ये बैटरी ट्राइड एंड टेस्टेड बैटरी है, ठीक है। काफ़ी बार इस बैटरी को टेस्ट करने के बाद तब हम मार्केट में इसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इस बैटरी में दम है। इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे, कितनी वोल्टेज आ रही है इसकी फिलहाल में, ये देखो 3 वोल्ट से भी ऊपर की इसकी वोल्टेज आ रही है, 3.31 वोल्टेज। तो इस बैटरी को 2 साल तक भी इस बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये बैटरी की क्वालिटी एकदम ऐसी है। सो खासकर निप्पोन की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है। तो अगर आप ये वाली बैटरी यूज़ करते हो तो 1-2 साल तक कस्टमर आने भी नहीं वाला, और 1-2 साल से ज़्यादा ही चलेगी ये बैटरी। 1-2 साल तो मैं मिनिमम इसकी लाइफ बता रहा हूँ, पर उससे ज़्यादा ही लाइफ है इसकी। तो ऑर्डर कर सकते हैं आप, काफ़ी बेस्ट प्राइस में हमारे पास ये बैटरी मिल जाएगी। थैंक यू।